लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद बीते कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके पहले चरण की घोषणा कर दी है। पहले चरण की घोषणा में वित्त मंत्री ने एमएसएमई से लेकर रियल एस्टेट कंपनियों और आम करदाताओं को राहत दी है। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं को राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख को भी बढ़ा दिया है। इसके अलावा टीडीएस की दरों में कटौती का भी ऐलान किया गया। निर्मला सीतारमण ने कहा, विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद बाकी हैं, वह अब 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के टैक्स दे सकती हैं। साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि 15,000 से कम वेतन वालों का ईपीएफ अगस्त तक केंद्र देगा। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान सरकार कर रही है। इसमें करीब 2500 करोड़ रूपये का खर्च होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने इस दौरान घोषणा में बिल्डर्स को भी राहत देते हुए बताया कि 25 मार्च 2020 के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन और कंस्ट्रक्शन के लिए आगे बढ़े हैं, उन्हें 6 महीने के लिए फायदा होगा। बिल्डरों को भी मकान पूरा करने के लिए अतिरिक्त वक्त दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बिजली वितरण कंपनियों की चुनौतियों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को मजबूती देते हुए उन्हें भी राहत दी है। साथ ही जिनके भी रिफंड लंबित हैं, उन्हें जल्द से जल्द भुगतान किया जाएगा। छोटे उद्योगों, पार्टनरशिप वाले उद्योगों, एलएलपी हो या कोई अन्य उद्योग, सभी को जल्द से जल्द भुगतान होगा।